हमारा भी का नाश्ता पेटीज मुंगदा डाल्टनगंज स्टेशन। हे गाइस, सभी के वेलकम है आज के न्यू ब्लॉग में। तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं रांची स्टेशन और फिलहाल हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का, क्योंकि यहां से कुछ काम तो अभी है नहीं वैसे भी। और हमारा टाइम एकदम टाइमली, मतलब टाइम से पहुंचा दिया था, थोड़ा बहुत लेट होगा बट हमारा जो नेक्स्ट ट्रेन है वो है 9:45 का, यानी कि 10 बजे का। तो फिलहाल अभी हम लोग यहीं पर बैठे हैं, आराम से वेट करना पड़ेगा। और ये हमारा रांची स्टेशन 3 नंबर प्लेटफॉर्म, हमारी ट्रेन यहीं पे आएगी। उधर 1 नंबर है, मेन डोर है रांची स्टेशन का। ये हमारा आ चुका है ट्रेन और हमारा है सीट D1 में 68-69। D1 बैठो इसी में, 68-69। चलो देखते हैं हमारा सीट कहाँ है। अच्छा, ऐसा वाला सीट है 68-69। ये रहा इसमें 67, 68, 69 वाला में है। ये हमारा 68-69। हमारा भी का नाश्ता पेटीज मुंगदा और ये हाइड एंड सीक का बिस्किट। तो बैठते हैं सीट में और इसको खाते हैं पहले, भूख लगने लगा यार सुबह सुबह। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपना डाल्टनगंज, अब सीधा चलते हैं यहाँ से, ऑटो लेते हैं और फिर सीधा घर निकलते हैं। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा ही हो गया, सीधा चलते हैं अपन घर रांची चौपन। बस हो रहे हैं डाल्टनगंज स्टेशन। रोड कैसा है स्टेशन के पीछे का? भाई साहब एक काम नहीं होता है ढंग का, बताओ। यहाँ पर अच्छा खासा रोड होना चाहिए, स्टेशन के पास का सड़क है, इतना गंदा हालत है बताओ डाल्टनगंज शहर में। हम जाने वाले हैं सतरवा डैम और हमारे साथ 4-5 लोग जा रहे हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी हम लोग इधर से निकलते हैं। ये गाइस दुबई वाला रोड, ग्राम दोस्त गाड़ी चला ग्राम मत दिए साला। ओ भाई देख रहे रोड कितना खतरनाक, हैवी ड्राइवर भाई। तो गाइस फिलहाल हम लोग आ चुके हैं हमारा सतरवा डैम और ये देखो मौसम क्या हुआ एकदम से, पानी भी देखो भर गया है, बहुत ज़्यादा पानी हो रहा था ना। और बाकी मेरे दोनों दोस्त भी हैं और 2 लोग और आ रहे हैं। बाकी मौसम देखो कितना मस्त किया हुआ है, इतना सुकून।